हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एनएन स्पोर्ट्स और मैं हूं रवीश। क्या लंबे वक्त से लॉकडाउन की वजह से टीम इंडिया के खिलाड़ी अपनी लैग खो चुके हैं, और अगर टीम इंडिया के खिलाड़ी मैदान में वापसी करते हैं, खासकर गेंदबाज, तो उन्हें कितना वक्त लगेगा रिदम में वापस आने के लिए? इसके बारे में टीम इंडिया के बोलिंग कोच क्या कुछ सोचते हैं, आइए आपको बताते हैं। लॉकडाउन के कारण इस वक्त टीम इंडिया के खिलाड़ी अपने अपने घरों में कैद हैं। वो घर पर जिम में तो पसीना बहा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो घर से बाहर निकलकर दौड़ नहीं लगा पा रहे हैं, जबकि ये सबसे ज्यादा अहम है। लेकिन अब भारतीय टीम के गेंदबाजी कोच भरत अरुण ने कहा है कि लॉकडाउन के कारण अंतरराज्यीय यात्रा अब भी प्रतिबंधित है। ऐसे में भारतीय क्रिकेटर्स को दौड़ने और अपने कौशल पर ध्यान लगाने के लिए अपने गृह राज्यों के मैदान पर ही अभ्यास करना होगा। तो ये तो बात साफ नजर आ रही है कि टीम इंडिया के खिलाड़ी जल्द ही प्रैक्टिस करते हुए नजर आएंगे। टीम इंडिया के खिलाड़ी अपनी फिटनेस पर तो ध्यान दे रहे थे, लेकिन इसका एक जो सबसे मजबूत पहलू होता है रनिंग, उससे टीम इंडिया के खिलाड़ी दूर थे। टीम इंडिया की फिटनेस को लेकर टीम इंडिया के बोलिंग कोच भरत अरुण का और क्या कुछ कहना है वो भी आपको बताते हैं। भरत अरुण ने फैन कोर्ट के लॉकडाउन बट नॉट आउट में कहा कि आंशिक रूप से लॉकडाउन हट गया है, लेकिन अंतरराज्य यात्रा में समस्या होगी। खिलाड़ियों को अब अपने शहर के उपलब्ध मैदानों को दौड़ने के लिए इस्तेमाल करना होगा, और इसके साथ वो कौशल निखारना भी इसमें शामिल कर सकते हैं। गेंदबाजी कोच भरत अरुण ने कहा कि खिलाड़ियों को कम से कम 1.5 महीना मैच फिटनेस हासिल करने में लगेगा, और उन्होंने उम्मीद जताई कि उनके अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में खेलना शुरू करने से पहले BCCI एक टूर्नामेंट आयोजित करा दे तो अच्छा होगा। उन्होंने कहा, हमें अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने के लिए अभी कम से कम 6 से 8 हफ्ते लगेंगे। इस दौरान हम अपने कौशल पर काम करेंगे और शिविर में फिटनेस पर ध्यान दिया जाएगा, जिसके बाद हम मैच की परिस्थितियों के मुताबिक अभ्यास पर प्रगति करेंगे। उम्मीद करते हैं कि BCCI हमारे अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने से पहले एक टूर्नामेंट आयोजित कर ले, जो हमारे लिए शानदार रहेगा। तो टीम इंडिया के बोलिंग कोच भरत अरुण ये चाहते हैं कि टीम इंडिया इंटरनेशनल मैचेस में कदम रखे, उससे पहले ही भारतीय खिलाड़ियों के लिए कुछ टूर्नामेंट आयोजित कराए जाने चाहिए, जिससे उनके फिटनेस लेवल का पता लग सके। हालांकि लॉकडाउन कुछ खिलाड़ियों के लिए फायदेमंद भी साबित हुआ है। गेंदबाजी कोच भरत अरुण ने साथ ही कहा कि लॉकडाउन गेंदबाजों के लिए मामूली चोटों से उबरने और अपनी फिटनेस पर काम करने के लिए अच्छा मौका था। उन्होंने कहा, मैं गेंदबाजों के बारे में चिंतित नहीं हूं, क्योंकि उनके पास पिछले 2 महीनों से काफी समय था जिसमें वो अपनी मजबूती और अपनी फिटनेस पर काम कर रहे थे। कोच ने कहा, बहुत कम होता है कि एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर को, विशेषकर हमारे गेंदबाजों को, अपनी फिटनेस पर काम करने के लिए इस तरह का समय मिले। उनके लिए मामूली चोटों से उबरने का शानदार मौका था। तो टीम इंडिया के खिलाड़ी जल्द ही मैदान पर प्रैक्टिस के लिए उतर सकते हैं। कौन सा खिलाड़ी कहां प्रैक्टिस करेगा, इसकी जानकारी भी आपको NN Sports पर मिलती रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, जितना ज्यादा हो सके शेयर करें।